हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत फ्रॉम फिल लाइफ और आज हम बात करने वाले हैं एक पेस्टिसाइड कंपनी की जिसका नाम है एमिको पेस्टिसाइड लिमिटेड। सो दिस वाज डिमांडेड बाय समवन और कमेंट्स में उनका सजेशन आया था कि ये कंपनी के बारे में एनालिसिस करके बताइए। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। मेजरली अगर कंपनी की बारे में बात करें तो कंपनी पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स में है। कंपनी का सेल्स काफ़ी वोलेटाइल रही है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। 2015 में कंपनी की सेल्स 166 करोड़ की थी जो 2016-17 में गिर गई अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ तक एंड नाउ इट इंक्रीज्ड अगेन टू 197 करोड़। तो ओवरऑल अगर 5 साल का ट्रेंड देखें तो इंक्रीजिंग है, बट 16-17-18 में कंपनी ने काफ़ी हिट ली थी। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 103 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी में असेट बेस 100 करोड़ का है और कंपनी में डेट 2 करोड़ का है, तो लगभग वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी यूजली 1.4% तक का डिविडेंड यील्ड देती है, तो अगर आप मान लो 50 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में तो आपको 0.70 पैसा आपको इन दिस फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स मिल जाएगा। कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ डिसेंट है, लगभग 28% का ग्रोथ रेट आया है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स और अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट भी यही है। अगर 20% से फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालें तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्राइसेस जो आपके होंगे ऑफ द अर्निंग पर शेयर दैट विल बी 20.05 अगर हम 20 के रेट से एक्सट्रापोलेट करते हैं। तो 2019 का इसका अर्निंग पर शेयर आया था 8.03, अगर इसको 20 से मैं इंक्रीज करता हूँ तो 2024 का एक्सपेक्टेड है 20.05 आएगा। हिस्टोरिकली प्राइस अगर देखें तो 5 साल से स्टॉक का प्राइस काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ करा है। 2015 में 41 के आसपास प्राइस था और राइट नाउ द प्राइस इज ट्रेडिंग एट 112 रुपीज़, तो ओवरऑल डबल के आसपास तो हो ही गया शेयर। अगर स्टॉक का पीई बैंड देखें तो 8.9 और 20 के बीच में यूजली पीई मूव करता है और करेंट पीई इसका अप्रॉक्सीमेटली 14 के आसपास है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस की अगर बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका रेट कहीं ना कहीं 178 से लेकर 400 तक हो जाना चाहिए अगर कंपनी अपने सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखाती रहती है तो ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कंपनी में अगर ऑडिटर्स की बात करें तो जे द्वारका दास इनके ऑडिटर्स हैं। ऑडिटर्स के बारे में हमको ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई थी। फर्दर एक प्रॉब्लम जो हमको कंपनी में लगती है वो ये है कि कंपनी के 30% शेयर्स प्लेज्ड हैं, मतलब कि जो प्रमोटर्स हैं उनने अपने 30% शेयर्स गिरवी रखकर पैसा उठा रखा है कंपनी को चलाने के लिए। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। फर्दर नियरेस्ट सपोर्ट अगर देखें तो 80 रुपये के आसपास है और रेजिस्टेंस 150 के आसपास है स्टॉक की। वॉल्यूम्स कंपनी में डिसेंट है इसलिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, शेयर एक्टिवली ट्रेड होता है तो कोई इशू नहीं है उस फ्रंट पर। सो यही मैं बताना चाहता था एमिको पेस्टिसाइड्स के बारे में। आई होप यू इन्जॉय द वीडियो। फर्दर आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम है फिनलाइफ। सो वहाँ से आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेगी और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ।